दोस्तों Xiaomi ने Redmi 7 को देश का स्मार्टफोन टैगलाइन दिया है। मेक इन इंडिया के तहत इसे इंडिया में बनाया गया है। साथ साथ यहां पर आपको सोनी का IMX सेंसर दिया गया है जो बहुत ही कमाल का है। इसमें जो Redmi Note 7 में सेंसर यूज किया गया है कैमरा का, वही सेंसर आपको Redmi 7 में दिया गया है। जो MIUI 2 में सेंसर दिया गया है वही आपको इसमें दिया गया है जो बहुत ही कमाल का है। साथ ही यहाँ पर इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, जिसका प्राइस 5999 रुपीज़ है जो 5999 रुपये है। इसमें आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे 200 रुपये और डिस्काउंट मिल सकता है इस फ़ोन के ऊपर। और साथ ही यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M10 है उससे बेहतर है, यहाँ पर आपको जो नोकिया 2.2 है उससे बेहतर है और बहुत ही कमाल के इसमें फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें AI मोड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर AI फेस अनलॉक मिलता है। इसके साथ साथ आपको कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा इस फोन के अंदर, जो डिसएडवांटेज और बहुत सारे फीचर्स दिए गए इस फोन के अंदर। और साथ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर दिया गया गेमिंग के लिए अच्छा खासा स्नैपड्रैगन का दिया गया है, जिसमें आपको 439 प्रोसेसर दिया गया, चिपसेट दिया गया ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी स्नैपड्रैगन का 439 दिया गया है। मतलब लो सेटिंग पर भी आप यहाँ पर पबजी गेम को आसानी से खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो रैम दिया गया 2GB का रैम दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पर आपको 2 वेरियंट में फ़ोन उपलब्ध है, जो होगा 2GB और 2GB। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको 2GB का रैम मिलेगा, प्लस में 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, 2GB का रैम मिलेगा और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, यानी 2 वेरिएंट में फोन आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम कैमरा की बात करें, इसका कैमरा कैसा है, इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, Redmi Note 7 में जो कैमरा आपको दिया गया वही कैमरा आपको Redmi 7 में भी दिया गया है, और जो MIUI 2 में दिया गया वही कैमरा इसमें दिया गया, यानी 12 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दिया गया है। IMX486 सेंसर दिया गया है जो AI सीन डिटेक्शन के साथ आता है। दोस्तों यहाँ पर वहीं फ़ोन की बैटरी की बात करें कि इस फोन में बैटरी कितना है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा बैटरी दिया गया है, 4000 mAh का बैटरी दिया गया है, जहाँ पर इसको बताया गया कि आपको 30 घंटे तक कॉलिंग टाइम इसका यूज कर सकते हैं। आप कॉलिंग के थ्रू 30 घंटे तक इस फोन को आसानी से यूज कर सकते हो। तो सोचिए कितना कमाल का यहाँ पर है। यदि आप डेली यहाँ पर नेट वेट सारा यूज करते हैं तो यहाँ पर आसानी से आपको दिन भर का रनिंग टाइम अच्छे से ये फोन दे देगा। दोस्तों ये फोन आपको 11 जुलाई से ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ ही दिन बाद यहाँ पर ऑफलाइन भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, यदि आपको ऑनलाइन लेना नहीं आता है, यदि लेना आता है तो ऑनलाइन ले लो, नहीं लेना आता है तो ऑफलाइन का थोड़े दिन ही वेट कर लो, आपको जल्द ही आपके मार्केट में ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम वेट कर लेना, उसके बाद ही आप चाहो तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो। रेडमी 7 है आपको 2 वेरिएंट फोन होने वाला है, जहाँ पर आपको 2GB और 16GB जो साथ लेंगे वो आपको 5999 मिलने वाला है। वहीं आप यहाँ पर 2GB और 32GB मिलने वाला फोन लेंगे तो यहाँ पर आपको 6199 रुपये फोन पड़ने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि 200 रुपये इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब आप इसे ऑनलाइन परचेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफर मिलेगा 200 रुपये कम देने का। तो यहाँ पर आप 200 कम करके इस फोन को आसानी से 5800 रुपये में बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। तो आप बताना कि आपका इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू, वो मुझे कमेंट जरूर करना। और जरूरी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो जरूर से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।